बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाव भाजी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी, और इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर सब्ज़ी ले लेना है, गोभी है, और ये शिमला मिर्च, हरी मटर है, और सेम है, आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है ले लें। आलू, गोभी और मटर एकदम मेन है, लेकिन अगर आप और भी सब्ज़ी, बैंगन वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो सारी सब्ज़ियों को धो के अच्छे से काट लेना है। फिर हम प्रेशर कुकर को गर्म करेंगे। नॉर्मली सब्ज़ी को बॉईल किया जाता है, लेकिन ये स्टेप करने से सब भाजी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून बटर या घी डाले, देसी घी, और देसी घी में इसे अच्छे से भूनना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। तो इसको बहुत ही अच्छे से हाई फ्लेम पे भूनना है लगातार चलाते हुए। जब इसमें से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे सब्ज़ियों में, उतनी देर हम इसे भूनेंगे, और इसमें से जो पानी रिलीज़ हुआ है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो बस 10 मिनट में ये सब्ज़ियाँ अच्छे से भुन जाएगी, 5 से 7 मिनट में। तो बस इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दें, और बस इसको अच्छे से भूनते रहे लगातार चलाते हुए। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो फिर इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और 1/2 कप पानी डालने के बाद इसको सब्ज़ियों को गलने तक पकाएंगे हाई फ्लेम पे, एक मरतब प्रेशर आने देंगे, और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। लो फ्लेम पे पकने के बाद ये देखिए सब्ज़ियाँ अच्छे से पक गई हैं, और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो बस इसको मैश कर लेना है जब तक कि ये अच्छे से मैश नहीं हो जाती। और बस आपने किसी भी मैशर का इस्तेमाल कर लेना है और इसको अच्छे से मैश कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ियाँ हमारी अच्छे से मैश हो गई है। तो यहाँ पर हम कुछ और लेंगे, प्याज, टमाटर वगैरह। तो पाव भाजी बनाने में प्याज है, टमाटर और शिमला मिर्च, इसको बिल्कुल फाइन चॉप करना है, बिल्कुल बारीक चॉप करना है। तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर है, और 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है। बस तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने पहले ही देसी घी डाला हुआ था, तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून तेल और 1 टेबल स्पून देसी घी डालूँगी। और फिर ये सब डालने के बाद हम प्याज डालेंगे, और प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बस हाई फ्लेम पे गोल्डन होने तक प्याज को फ्राई करना है। और जब ये देखिए गोल्डन कलर आने लगे हल्का हल्का सा इसमें, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून भर के, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे टमाटर, तो बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि पाव भाजी में बिल्कुल मैश की हुई रहती है ना सब्ज़ियाँ। तो इसके लिए टमाटर भी और शिमला मिर्च भी बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डालेंगे। तो अगर बहुत से लोग प्यूरी बनाकर डालते हैं टोमेटो की, लेकिन ऐसा मैश करके डालने, ये चॉप करके डालने में और प्यूरी में टेस्ट बहुत अलग हो जाता है। तो इसके लिए इसको इसी तरह से डालें, और ये जब देखिए अच्छे से भुन जाए, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, तो हम इसमें 2 टीस्पून भर के हम पाव भाजी मसाला डालेंगे, और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो पाव भाजी मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 2 से 3 टीस्पून डालना है, और फिर पूरी सब्ज़ी को भी डालना है, उसमें थोड़ा सा पानी वॉश करके डालना है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और बस ये सारी सब्ज़ियाँ डालने के बाद फिर से इस मैशर से इसको अच्छे से मैश करेंगे, तो जब तक ये अच्छे से मैश नहीं हो जाती। और बस 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से मैश हो जाएगी हमारी सब्ज़ी, और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा इसको थिक भी नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा सब्ज़ी को पतला भी नहीं करना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है, आप देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो बस ये सब भाजी हमारी बनकर तैयार है, इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम पाव को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाव लेना है, उसको बीच से इस तरह से खोल लेना है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। तो बटर में इसका टेस्ट अच्छा आता है, तो बटर ज़रूर डालें पाव भाजी में। थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डालें, थोड़ा सा हरा धनिया, और बस इसको पाव को अच्छे से दोनों तरफ से सेकें, ये देखिए इस तरह से। और ऊपर से फिर से इसके ऊपर बटर, ये देखिए इस तरह से बटर लगा देना है, और इसको उलट पलट के सेकना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है पाव, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा सेक लें, और बस इसको लाइट गोल्डन सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये देखिए एक तरफ इसमें अच्छा सा कलर आ गया, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे।
तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च डाले, इससे ये बहुत अच्छा दिखता है देखने में। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और ये हमारा बहुत ही यम्मी सा ये बनकर तैयार है पाव भी। तो इसको बस गर्मा गर्म सर्व करें पाव भाजी के साथ, ठंडा होने के बाद ये अच्छा नहीं लगता है, तो बस गर्म गर्म ही सर्व करें और बिना प्याज और नींबू के बगैर तो पाव भाजी बिल्कुल अधूरी लगती है। तो प्याज और नींबू के साथ ही इसे सर्व करें और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करें और बीच में बटर डालें, बिना बटर के भी बिल्कुल अधूरा सा लगता है पाव भाजी का टेस्ट। तो बस इस तरह से सर्व करें और इस तरह से एक बार ज़रूर बनाएं पाव भाजी, आपको इंशाल्लाह रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, जब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।